हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की अशासकीय स्कूलों की भर्ती को लेकर एक न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें यहाँ पर एलटी और प्रवक्ता शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, हरिद्वार, और यहाँ पर चार विद्यालयों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कितने कितने पोस्ट आ रखे हैं, सब्जेक्ट क्या क्या है, सारा कुछ इसमें बताएंगे। और सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी भर्तियाँ आई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो आपका आया है विद्यालय का नाम देख सकते हैं, किसान इंटर कॉलेज बहलपुर भगवानपुर हरिद्वार में है। इसमें यहाँ पर जो है आपकी एलटी विज्ञान की पोस्ट आ रखी है, जो कि यहाँ पर सामान्य जाति के लिए एक पोस्ट रखा गया है, और वहीं यहाँ पर एलटी मैथ्स के लिए आ रखा है, यहाँ पर एक पोस्ट है ओबीसी के लिए रखा गया है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट अभी भी है, 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा सबके क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर जो आपका चालान है या फॉर्म प्रक्रिया है वो सबका एक जैसी ही है, जो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अनुसार होता है। दूसरी वैकेंसी जो आ रखी है वो आप रुद्रप्रयाग में आ रखी है, तो यहाँ पर ओ हिमा ई कॉलेज जखोली में निकल कर रखी है एलटी कला की। तो इसमें जो यहाँ पर आपके पास फाइन आर्ट ड्राइंग और यहाँ पर जो है पेंटिंग होनी चाहिए स्नातक में, और इसके लिए जो है आपके पास बीएड होना भी ज़रूरी है। ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए आ रखी है, और इसके लिए भी आपका जो फॉर्म बनेगा मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग यहाँ पर होगा। और उसके बाद यहाँ पर निकल के आ रखी नई भर्ती, जो कि आपके यहाँ पर नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मैंगलोर टाउन जनपद हरिद्वार 18/11 को निकल के आ रखी इसमें। और इसमें जो प्रवक्ता की पोस्ट है वो आपका एक पोस्ट है हिंदी के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है। और वहीं एलटी के लिए यहाँ पर देखते हैं जो पोस्ट निकल के आ रखी है, वो कला के लिए एक पोस्ट है और सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, तो कला और सामाजिक विज्ञान के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और यहाँ पर सामान्य विज्ञान के लिए एसएसटी के लिए वैकेंसी निकल के आ रखी है। प्रवक्ता का एक है जो कि यहाँ पर अनुसूचित जाति की रखा गया है हरिद्वार में। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट व्यक्ति है 18/11 को निकल के आ रखी है अभी, और ये आपकी मिशन इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ निकल के आ रखी है। इसमें यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है, एक तो प्रवक्ता की पोस्ट है जो कि आपके जीव विज्ञान के लिए है, और दूसरी पोस्ट आपके यहाँ पर है एलटी विज्ञान के लिए है, जो कि अनारक्षित के लिए है। दोनों की दोनों पोस्ट, एक एक पोस्ट इसके लिए है। और इसका फॉर्म भी आपको पिथौरागढ़ के जनपद में जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से मिलेगा। इसके लिए भी 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, 21 दिन इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग देख सकते हैं 18 से 21 दिन आपकी लास्ट डेट है, और सेम इसके लिए भी है आपके पास 21 दिन का, यहाँ पर जो 3 सप्ताह के अंदर फॉर्म फिल करना है। ये भी आपको जो है इसी जनपद के, जो हरिद्वार जनपद है, इसके मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में मिल जाएगा। इसके लिए भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। और ये आपका रुद्रप्रयाग में 25 नवंबर को निकल के आ रखी है, इसके लिए भी 21 डेज रखा गया है, और ये भी आपको रुद्रप्रयाग के यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में मिलेंगे। ठीक है, ये भी आपका जो हरिद्वार में है निकल के आ रही है, जो कि इसके फॉर्म भी आपको वहीं हरिद्वार में ही मिलेगा। और इसके चालान लगाना है आपको, और बाहर पर जो लिफाफा होगा आपको टॉप पे वो आपको लिखना पड़ेगा। आपको जैसे कि आप लोग एक साइड पर विषय लिखना पड़ेगा, स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, राइट लेफ्ट साइड पर स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ पर राइट साइड पर अपना जो यहाँ पर कैटेगरी है, सब्जेक्ट है, तो वो ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पर कहाँ भेजना है वो आपको फॉर्म में पता होगा कि यहाँ पर जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में ही भेजना है सभी। ठीक है, मिलेगा भी आपको वहीं मिलेगा। इनके लिए आपके पास यूटेट सेकंड होना ज़रूरी है बीएड के लिए, और प्रवक्ता के लिए भी यहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं है यूटेट सेकंड या फर्स्ट। ठीक है, और एलटी के लिए यहाँ पर यूटेट सेकंड होना ज़रूरी है या सीटेट सेकंड होना कंपलसरी है। तो इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है।